मेरा पहला क्वेश्चन है वर्तमान समय में आदर्श संस्कृत रंगमंच किसे कहा जाएगा उसकी परिभाषा क्या होगी हाँ आदर्श संस्कृत रंगमंच से मैं जो आशय समझता हूँ वह यह है कि भरत मुनि ने एकादश नाट्य संग्रह बताया है छठे अध्याय की दसवीं कारिका में नाट्य शास्त्र में तो रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर आतोद्य गान और रंगमंच ये कंपोनेंट्स हैं थिएटर के या नाट्य के इनसे मिलाकर के संपूर्ण रंगमंच बनता है तो नाट्य शास्त्र में जिस प्रकार से ये ग्यारह तत्व तो परिभाषित हैं उन ग्यारह का एप्लीकेशन हो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली या समग्र रूप में तो आदर्श संस्कृत रंगमंच होगा तो रस है उन्होंने नौ रस बताए और 49 उन्चास भाव बताए अभिनय आंगिक वाचिक सात्विक और चार प्रकार के अभिनय और आंगिक अभिनय में भी तेरह प्रकार के शिवस शि शीर हैं सिर है मस्तक है चौसठ हस्त हैं छत्तीस हैं है इनमें है। से जितना किसी नाटक में अप्लाई हो सके उन सब को लेकर के ए, संपूर्ण रंगमंच बनाना आंगिक फिर वाचिक के उन्होंने जो काकू है स्वर है अलंकार है ये बताए सतमें अध्याय में और आहार्य कॉस्ट्यूमिंग के तरीके उन्होंने बताए तो ये सारे ही जो तत्व हैं ग्यारह रस भाव अभिनय धर्मी नाट्य धर्मी या लोकधर्मी कौन सा लेना है इस पर विचार किया जाए कि कन्वेंशनल स्टाइल में करेंगे या कि लोक स्वभाव का हम अनुकरण करेंगे और वृत्तियां प्रवृत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संसार में जैसा हम होता हुआ देखते हैं उसको हम नाटक के डियम में ढालते हैं तो वृत्ति और प्रवृत्ति उससे बनती है और सिद्धि किस प्रकार की नाटक में हम कराना चाहते हैं देवी सिद्धि या मानुषी सिद्धि हम थिएटर ऑफ डिस्टेंस बनाना चाहते हैं उसमें एलियनेशन इफेक्ट भी लाना चाहते हैं या तल्लीनता का रंगमंच बनाना चाहते हैं दो प्रकार की सिद्धि उससे बनती है और बाकी सब म्यूजिक के कंपोनेंट्स हैं और फिर थिएटर पूरा विकृष्ट लेना है या लेना है। तो इन सारे ग्यारह तत्वों की जो कैटेगरीज हैं उन पर विचार करके इनको अप्लाई करें और संपूर्ण रूप में किसी नाटक के अभिनय में इनको यथासंभव उतारे अप्लाई करे तो आदर्श संस्कृत रंगमंच मेरी दृष्टि से होगा और उसमें नाटक भी ऐसा हो कि ए, केवल वाचिक ही वाचिक ना हो जाए या केवल आंगिक ही आंगिक ना हो जाए तो भरत मुनि उसको आदर्श नाटक मानते हैं उसको वो कहते हैं कि संपूर्णता उससे नाटक की आ जाती है तो जिसमें चौसठ संध्यंग हो चारों वृत्तियां हो चारों प्रवृत्तियां हो चारों प्रकार के अभिनयों का ग्रहण किया जाए तो सर्वांगीणता उसमें आ जाती है अगर हम कोई एक इसमें से लेंगे या कुछ लेंगे तो एकांगी वह होगा जैसे कि हम ज्यादातर एक्रोबेटिक्स लेकर के नाटक करने लग जाते हैं तो आंगिक आंगिक हो जाता है यदि अभी बहुत सुंदर हो सकता है इंटरप्रेट हम उससे कर सकते हैं लेकिन वाचिक उसमें शून्य हो जाएगा शब्द नहीं रहेंगे तो भारतीय वृत्ति नहीं रहेगी वाचिक अभिनय नहीं रहेगा तो बहुत सारे कम्पोनेंट छूट जाएंगे तो भराव नहीं आएगा तो भराव का संपूर्णता का रंगमंच है संस्कृत रंगमंच जो है और दूसरा ये इसमें जो जीवन दृष्टि है जीवन मूल्य है हमारे हमारी नाट्य परंपरा के वो अवश्य आने चाहिए तो जब रस को हम लाते हैं तो उसमें केवल मनोरंजन ही नहीं होता उसमें संस्कार की बात होती है पुरुषार्थ की बात होती है इसलिए वैल्यूज ऑफ लाइफ की बात उसमें होती है तो वो रस बोध उसमें आना चाहिए तब वो भरत मुनि के द्वारा परिभाषित संस्कृत रंगमंच होगा जी धन्यवाद सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत नाटकों की परंपरा में अब तक की जो यात्रा रही है क्या उसमें आपको स्त्री चेतना का विकास दिखता है हाँ स्त्री चेतना का विकास हम निरंतर होता हुआ देखते हैं ईसा पूर्व की शताब्दियों में जो हम नाटक हैं, उनमें देखें तो स्त्री तत्व उसमें आरंभ में तो बहुत कम है भरत मुनि ही बताते हैं कि पहले हमने जो नाटक हम कराते थे हमारे पास पुरुष ही थे अभिनेता हमारे पुत्र सो थे और उसमें कैशी की वृत्ति नहीं थी उसमें आरभटी सातवती और भारतीय तीन वृत्तियां थी तो बाद में उनको शंकर ने सुझाव दिया कि <coughs> कैशिकी वृत्ति भी इसमें जोड़ी है तो उन्होंने कहा कि कैशी की वृत्ति जोड़ने के लिए तो हमको फीमेल एक्टर्स चाहिए हमको महिलाएं चाहिए हमारे पास तो हमारी मंडली में तो महिलाएं नहीं है तब तो उनको अपसराए ब्रह्मा ने प्रदान की उससे ग्रेस लालित्य नजाकत और सौंदर्य नाटक में आया तो स्त्री तत्व बाद में उसमें जुड़ा स्त्री तत्व जैसे जैसे जुड़ता है उससे स्त्री चेतना उसमें आती है तो यह हम देखते हैं कि फिर जो नाटक बाद में होते हैं भरत मुनि ने तो अमृत मंथन समोकार और त्रिपुर दाहिम ये नाटक कराए ये पुरुष प्रधान नाटक थे जिसमें देवता और असुरों का संग्राम है या त्रिपुरासुर का वध है तो इसमें महिलाएं नायिकाएं उस तरह से है ही नहीं लेकिन जो बाद में नाटक आते हैं उसमें स्त्रियां भी आती हैं उनकी जो स्त्री स्त्री जिस प्रकार से अपने को एसर्ट करती है वह भी उसमें बात आती है महिला चेतना या स्त्री चेतना तो अभिभाष में हम देखते हैं कि उनके सभी नाटकों में स्त्री पात्र अपने आप को एसर्ट करते हैं जैसे कि स्वप्न वासोदत्तम में वासोदत्ता है एक तो उसका चरित्र ही बहुत सबलाइम है उदात्त है वह अपने पति के कल्याण के लिए देश के कल्याण के लिए राज्य कल्याण के लिए दासी होकर के रहना स्वीकार करती है लेकिन उसका स्वाभिमान अपनी जगह पर है वह अपने आप को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती है तो जो चेतना है स्त्री की स्त्री का दर्प स्त्री का स्वाभिमान उदयन पर वह नाराज भी हो सकती है यह भी उसमें प्रसंग आते हैं कि उदयन उदयन जो नायक है महान सम्राट है उन पर भी वो ना नाराज हो सकती है उससे घबराते भी हैं उसके क्रोध से वो घबराते हैं तो यह स्त्री का जो तेज है यह भास के नाटकों में हमको दिखाई देता है उनके प्रतिज्ञा योग नारायण में भी वासवदत्ता पात्र है और स्वप्न वासो में भी वासोदत्ता पात्र है अभिमारकम में कुरंगी नायिका है वह प्रेम करती है अभिमारक से वह घर के लोगों को बिना बताए उससे मिलने चली जाती है अपने राजमहल में अंतपुर में उसको बुला लेती है उससे मिलती है तो स्त्री की चेतना उसमें उसकी स्वतंत्रता उसके सवाल भास के नाटकों से आरंभ होते हैं कालिदास में थोड़ा और आगे उसमें बात बनती है बढ़ती है आगे कि उसमें रानी जो है राजा के सामने सवाल उठाती है कि आप जिस प्रकार से अपने से बहुत कम उम्र की लड़की के साथ प्रेम कर रहे हैं रंगरेलिया कर रहे हैं तो इतनी ही बुद्धि आपकी राज कल्याण में भी लगती तो कितना अच्छा होता यह उसमें रानी मालविकाग्नि मित्रम में कहती है जी तो यह सवाल स्त्री के द्वारा उठाए हुए राजा की जो एक तरह से लिप्सा है उस पर वह सवाल उठाती है शकुंतल में जिस प्रकार से शकुंतला राजा के सामने अपना तेजस्वी रूप प्रकट करती है और और उससे कहती कि तुम अनार्य हो अनार्य। और तुम हो हो जिस प्रकार से से फूस ढका हुआ कुआ होता है हाथी को फसाने के लिए जो बनाया जाता है उस तरह से तुम हो धर्म कंचुक व्यपदेशी और अनार्य उसको ऐसा कहती है धर्म का लबादा ओढ़े हुए तुम पाखंडी हो जब उसको ठुकरा देता है तो यह स्त्री की अस्मिता के प्रश्न कालिदास में और भी तलखी से आते हैं और किस प्रकार से शकुंतला तपस्या करती है अंत में दुष्यंत को वापस प्राप्त करती है तो यह नायिका प्रधान नाटक एक प्रकार से हो जाता है कि शकुंतला की तपस्या उसके कारण दुष्यंत फिर उससे मिलता है और यही स्थिति विक्रमोर्वशियम में भी है कि वहाँ उर्वशी नायिका है बहुत ही स्वतंत्र चेतना की नायिका है वह तो स्वर्ग से उतरकर धरती पर अपने प्रेमी से मिलने आती है तो ये बात के नाटकों में हम देखते हैं कि विशेष रूप से वृक्षकटिक और मुद्रा राक्षस ये दो नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से और उसके बाद संभार नाटक, ये तीन नाटक से हम के ले सकते हैं स्त्री पात्र अपने आप को एसर्ट करते हैं पुरुषों के सामने बहस भी करते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं जैसे वसंत सेना का चरित्र है वृक्षकटिक में तो उसको जिस प्रकार से निर्णय लेते हुए शूद्रक ने चित्रित किया है वह जो राजा अधिकारी है शकार उसको ठुकरा देती है उसकी माँ उसको समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए माँ से भी वह कहती है कि मैंने तो प्रेम चारुदत्त से किया है तो अपने प्रेमी के लिए चारुदत्त से जो उसका प्रेम है उसके लिए वह सारे संसार से सत्ता से भी लोहा ले सकती है इतना उसका साहस इसमें दिखाया गया है और जो शूद्रक उसमें मैसेज देना चाहते हैं कि शकार बहुत ही नीच व्यक्ति है वह हत्या करने की कोशिश करता है वसंत सेना की उसका गला घोट करके चला जाता है यद्यपि तो केवल बेहोश होती है और बच जाती है तो अंतिम दृश्य में चारुदत्त दत्त चूंकि बहुत ही क्षमाशील है एक तरह से गांधीवादी उनका चरित्र है तो राजा जो क्रांति उसमें होती है राजा बदल चुका है दूसरा राजा आर्य तो चारुदत्त का मित्र है तो वह आर्य जो है वो चारुदत्त से पूछता है कि शकार को क्या सजा दी जाए शकार उसको पकड़ लिया गया है उसने सारा षड्यंत्र रचा साबित हो गया है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए उसने वसंत सेना की हत्या करने की कोशिश की ये हत्या की ही अपनी तरफ से लेकिन चारुदत्त बहुत ही क्षमाशील है अहिंसावादी है तो कहते हैं नहीं इसको क्षमा कर देना चाहिए गिड़गड़ा रहा है माफी मांग रहा है उसी समय वसंत सेना चारुदत्त के गले में जो अवध्य माला है उसको उतारकर शकार के ऊपर फेंकती है कि अभिनय की दृष्टि से बहुत ही बारीक दृश्य है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट दृश्य है ये ये मैसेज है वसन सेना का कि मैंने क्षमा नहीं किया है हत्या तो उसने मेरी करने की कोशिश की थी तो आप लोग कौन होते हैं कि आप कह रहे हैं कि क्षमा कर देंगे तो साइलेंट मैसेज उसका है कि वद्यमाला उस आदमी को पहनाई जाती है जिसको फांसी जी जाना है तो वद्यमाला जो चारुदत्त के गले में है चारुदत्त को ले जाया जा रहा था नवी अंक में फांसी पर चढ़ाने के लिए मध्यमाला को उतारकर वह शकार के सिर की ओर फेंकती है यह उसमें नाट्य निर्देश है जी। और यह वसंत सेना का मैसेज है तो यह वसंत सेना का जो तेज है और उसकी जो स्त्री के रूप में अपनी अस्मिता है चेतना है यह हम रचिक में पाते हैं वेणी संवार में द्रौपदी तो बहुत ही तेजस्वी चरित्र है और जिस प्रकार से दुर्योधन से बदला लेने के लिए सवाल खड़े करती है नाटक के पहले अंक में और अंतिम अंक में भी वह है तो एक स्त्री के रूप में वहां पर द्रौपदी की भूमिका इस रूप में हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के जो बड़े नाटककार हैं संस्कृत के उसमें दूसरे बड़े नाटककार बहुभूति आते हैं जो सीता उत्तर राम चरित। का चरित्र रचते हैं उत्तर रामचरित में और महावीर चरित्र में मालती जो नायिका है वह भी उसका एक विमर्श है पूरा फीमेल डिस्कोर्स उसके द्वारा भी खड़ा करते हैं कि किस प्रकार से वह घर छोड़ करके आ जाती है कमंद की बहुत बड़ा चरित्र है मालती माधव में जो कि बहुत बड़ी दार्शनिक है और न्याय फिलासफी की स्पेशलिस्ट है बौद्ध दर्शन की पंडित है वो पढ़ाती है और वो मदद करती है मालती और माधव को मिलने में तो स्त्रियां उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है भगवती में उसमें वो तो उत्तरा के दूसरे अंक में दिखाते हैं कि आत्रेयी जो एक लड़की है है गुरुकुल में पढ़ती है वाल्मीकि के गुरुकुल से अगस्त के गुरुकुल की तरफ जा रही है क्योंकि वहां उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है कुश और लव के कारण तो ये स्त्रियां वहाँ पढ़ती हैं निर्णय लेती हैं एक गुरुकुल छोड़कर दूसरे गुरुकुल में जाती हैं ये सब भवभूत दिखाते हैं तो ये भाष से लेकर भवूति तक तो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की एक प्रखर चेतना धीरे धीरे होती हुई संस्कृत नाटक में हम देखते हैं जी जी धन्यवाद सर आपका बहुत सुंदर आंसर मुझे मिला और मेरी सारी जो सवाल खड़े थे सब स्त्रियों के लिए वो क्लियर हो गए संस्कृत नाटक की नायिकाओं के लिए तीसरा क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में सवकिया परकिया और सामान्य नायिका के उदाहरण में संस्कृत नाटकों की नायिकाओं के उदाहरण क्या होंगे मतलब कौन कौन से नाटकों में उदाहरण है वह स्वकिया <स्थाँग> होती है जैसे कि स्वप्न वासो में वासोदत्ता स्वकिया नायिका है जी, लेकिन वही प्रतिज्ञा युवन में परकिया बन जाती है क्योंकि विवाह नहीं हुआ है दुष्यंत उससे उदयन उससे प्रेम करता है जी, उसी प्रकार से शकुंतल में जो धारिणी है रानी राजा की देवी है मुख्य रानी बड़ी रानी है वह स्वकीय नायिका है और शकुंतला से जब तक विवाह नहीं किया है तब तक वह पर किया है विवाह होने के बाद वह वही स्वकिया हो जाती है तो इतना ही उसमें अंतर है कि विवाहेतर संबंध जिससे है वह पर किया है तो एक ही महिला कुछ प्रसंगों में परकीय है वही विधि पूर्वक गांधर विवाह करें या वैदिक विधि से विवाह करें विवाह यदि कर लिया है तो वही स्वकिया हो जाती है और तीसरी नायिका सामान्य है सामान्य तो गणिका को कहते हैं जी। तो वसंत सेना उसका उदाहरण है वृक्ष कटिक में वसंत सेना वो सामान्य नायिका है सामान्य जो अन्य पुरुषों के द्वारा भी जिस पर क्लेम किया जा सके केवल एक ही प्रेमी उसका नहीं है तो वह चूंकि गणिका इसलिए सामान्य नायिका है यद्यपि चारू शूद्रक ने उसको बहुत ही यूनिक कैरेक्टर बना दिया है अप्रतिम उसको चरित्र उन्होंने बना दिया है कि वह गणिका होते हुए भी सारे पुरुषों को ठुकरा देती है और राजाधिकारी को भी ठुकरा देती है तो लेकिन टेक्निकली जो परिभाषा है उसकी दृष्टि से वासोदत्ता जहाँ परिणीता है वहाँ स्वकीय है और जहाँ वह विवाह के पहले प्रेम कर रही है जेल में प्रति नारायण में उदयन से मिलने जाती है वहां वह पर किया है और वसंत सेना सामान्य है में जी धन्यवाद मेरा अगला क्वेश्चन है संस्कृत नाटकों में अधिकतर रामायण और महाभारत को अपने नाटकों का आधार बनाया गया है क्यों रामायण और महाभारत पर आधारित नाटक हैं वो बड़े क्लासिक हैं वो प्रसिद्ध ज्यादा हुए जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नाटक जी उनको ही आधार क्यों बनाया है अधिकतर संस्कृत नाटककारों का नहीं ये तो कहना ही गलत है क्योंकि उन्हीं को आधार नहीं बनाया गया अगर आप सूची बनाएं पूरी जी तो लिस्ट बनाइए कि रामायण पर आधारित नाटक कितने हैं महाभारत पर आधारित नाटक कितने हैं फिर लोक कथाओं पर आधारित इत... सोशल प्लेज कितने हैं तो संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा वो ऐसा इसलिए लगता है कि वो बड़े क्लासिक हो गए जी, जनता उनको देखना चाहती है कि जी जैसे कि कालिदास का सर अभिज्ञान शाकुंतलम है वो भी महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है उत्तर राम से लेकिन कालि अग्निमित्रम तो हिस्टोरिकल प्ले है उसमें तो महाभारत रामायण से कोई संबंध नहीं है विकमोर वशियम का भी कोई संबंध नहीं है तो कालिदास के तीन नाटकों में एक नाटक महाभारत पर आधारित है लेकिन बाकी दो नाटक जो है वो या तो हिस्टोरिकल एपिसोड्स पर हैं या फोक नैरेटिव है कि वो भी एक तरह से तो हिस्टोरिकल है क्योंकि पुरुरावा की डिनास्टी है उसका वंश है जी। तो की प्रेम कथा है वो लोक कथा एक तरह से है चली आ रही है तो ये कहना कि ज्यादातर नाटक रामायण और महाभारत पर हैं ये तो तब कह सकते हैं जबकि हमने अगर हजारे नाटक संस्कृत के हैं उन सब की सूची बना ली है और ये हमने सिद्ध कर दिया है कि रामायण महाभारत पर ही ज्यादा है मुझे इस पर डाउट है मैंने कुछ अच्छा। भी नहीं ऐसी सूची अभी तक बनाई है है लेकिन जी। मुझे लगता है कि आप देखिए कि प्रकरण है वो सोशल प्ले है तो तीस चालीस प्रकरणों की सूची मेरे पास है ही का मालती माधव है रामचंद्र ने नौ दस प्रकरण लिखे बहुत ही अनोखे अद्भुत प्रकरण है कि जो व्यापारी हैं बिजनेसमैन हैं उनके जीवन पर हैं वो एक डाकू के ऊपर लिखा गया प्रबुद्ध रोहिणा है उसका हम लोगों ने खूब अभिनय भी कराया रामचंद्र का तो ये सोशल प्ले जो प्रकरण है जो नाटक की बराबरी की कैटेगरी है कि नाटक जैसा होता है वैसे ही प्रकरण भी होता जी, है जी। फर्क यह है कि नाटक में रामायण महाभारत से लिया हुआ कोई धीरोदात महान नायक होता है और इसमें कोई सोशल इसमें मिडिल क्लास का होता है तो जितने नाटक हैं करीब करीब उतने ही प्रकरण भी हैं संस्कृत में तो ऐसी हम लोगों को गलत फहमी हो जाती है क्योंकि ये संस्कृत के बारे में कहा गया कि उसमें सब कुछ पुराना और रावण महाभारत से लिया हुआ ही ज्यादा है उसकी इमेज खड़ी की गई कॉलोनाइजेशन के, के दौर में अंग्रेजों के द्वारा जो लोग हमारी हिस्ट्री लिख रहे थे और हमको हिस्ट्री हमारी बता रहे थे और उनकी हिस्ट्री हमने मानी तो उससे संस्कृत की और संस्कृत थिएटर की और पूरी हमारी थिएट्रिकल ट्रेडिशंस की इमेज एक बनाई गई कि इसमें सब पौराणिकता है प्रहसन है एक से एक भगवत अज्जुकम है है और उसके बाद तो सो एक मतविला ढाई सौ भाण है, भाण, भाण है उन पर रिसर्च वर्क है उनका रामकृष्ण आचार्योलू का वो छपा हुआ है तो करीब ढाई सौ भाण भाणों की सूची ढाई सौ तो आपको रमन महाभारत पर आधारित प्ले संस्कृत में नहीं मिलेंगे नहीं नहीं। सूची अगर आप बनाएंगे तो दो सौ ढाई सौ नहीं होंगे जबकि भाण जो है ढाई सौ कम से कम है वो लगातार लिखे जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं अठारहवीं शताब्दी तक अट्ठा एटीन सेंचुरी के बाद ये हालत हुई कि अंग्रेजों की जो जो अंग्रेज लोग काम करा रहे थे हिंदुस्तान में और राज भी कर रहे थे उन्होंने हमारा नेरेटिव बताना शुरू किया उनकी दिलचस्पी ये थी कि इनके पास पुराना क्या है पुराना धर्म इनका इनके पास वेद रामायण महाभारत बस उस उसी तक हमको रहना है क्योंकि इन लोगों को हमको ये बताना है कि आप लोग का पुराना पुराना सब बढ़िया है उसके बाद आप लोग असभ्य बरबर जंगली होते गए तभी तो हम लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं ये हकीकत नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ सोशल प्लेज प्रसन्न भाण डिम ये बराबर लिखे जाते रहे उसमें उनको बाद में नष्ट बहुत किया गया और एटीन नाइनटीन सेंचुरी के बाद डिस्टो बहुत हुए और नष्ट भी बहुत किया गया तो संस्कृत थिएटर हमारा खत्म भी किया गया जो केरल में ही थोड़ा बचा रहा हो तो ये तो मैं नहीं ज्यादा मानता ये ये भी उन्हीं लोगों ने कहा है कि हमारे किसी आचार्य ने नहीं कहा है कि रावण महाभारत पर आधारित नाटक संस्कृत में ज्यादा है जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा वही सिलेबस में चलाए जाने लगा संस्कृत ड्रामा का इतिहास जो ए बी ने लिखा वही हमारे सिलेबस में चलाया जाने लगा यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई कलकत्ता बंबई मद्रास की यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई यूनिवर्सिटी सिस्टम उन्होंने अपना हमारे ऊपर एक तरह से थोपा हमारे यहाँ छोटे चोट छोटे गुरुकुल थे गाँव में उस तरह से हमारी ट्रेडिशन चलती थी तो पूरी ट्रेडिशन ही हमारी खत्म करके और जो सिस्टम लाया गया उसमें बहुत सारे डिस्टोशन हुए बहुत सारी गलत व्याख्याएं हुई तो मेरी समझ से तो ये पूरी तरह से सही नहीं है या तो आप रिसर्च कर रही हैं तो आप रिसर्च करके जी। पूरे संस्कृत नाट्य साहित्य में जितने नाटक हैं सबकी सूची बनाइए बताइए मुझे कि कितने रामायण पर आधारित हैं कितने महाभारत पर आधारित हैं क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से तो और प्रहसन इन सब की लिस्ट बनाई जाए तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है जी। और ये बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं तो पॉपुलर थिएटर है ही है भाण तो बहुत ही पॉपुलर होता है खूब देखना पसंद करते हैं लोग तो हम हमसे कह दिया गया कि आप लोग पौराणिक हैं और रामायण महाभारत पर आप लोग धार्मिक लोग हैं और आप लोग रामायण महाभारत पर आपके यहाँ नाटक है और कुछ आपके यहाँ है ही नहीं वो लोग क्यों कहेंगे कि इनके यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया दूसरे तरह के प्लेस भी हैं जिसमें कि सामाजिक विरोध भी है विद्रोह भी है खूब बढ़िया हास्य भी है और समाज चेतना भी है वो लोग ये बताना पसंद नहीं करेंगे तो उस, उसको दबाएंगे उन, क्योंकि उनका राज्य था तो ये दबाया गया जी। तो हम लोगों के दिमाग में दो साल में हम लोगों के दिमाग की अच्छी तरह से धुलाई की गई तो हमारे गुरुजन भी हमको यही पढ़ाते रहे कि संस्कृत में रावण महाभारत पर आधारित नाटक ज्यादा है क्योंकि एक बार एस्टेब्लिश कर दिया गया किसी ने खोज करके नहीं देखा कि भाई किसने कह दिया और कैसे किसने कह दिया जी। तो ये इसको मैं इस पर मैं सवाल उठा सवालिया चिन्ह लगाता हूँ इतना ही मैं कह सकता हूँ ठीक है सर धन्यवाद सर अगला प्रश्न है वासवदत्ता नायिका की अनेक रचनाएं हैं बार बार ए इस नाम का प्रयोग होना अक्समात है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है स्वप्नवास बहुत बार बार तो नहीं हुआ है कितने नाटक है वासव को वासव हुआ उसमें वासवदत्ता प्रतिज्ञा यायण में वासुदत्ता है उसके बाद वो जो रत्नावली है श्री हर्ष की जी। उसमें बात हो उसमे है तीन का ही मुझे ध्यान आ रहा है जी जी तीन ही मैंने तो, पढ़े हैं तो बार हाँ, बार एक ही कैरेक्टर तो, का नाम मतलब कोई विशेष कारण था या हाँ तीन जो आए उसमें विशेष कारण यह है कि वो उसकी थीम बहुत पॉपुलर है जी लोग देखना पसंद करते हैं उदयन और बासुदत्ता की जो कहानी है वो बहुत ही पॉपुलर है जी जैसे रामलीला भी लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि पॉपुलर होती है तो ये जनता की रुचि जनता का टेस्ट है उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी बड़ी रोमांचक है आप उस पर कई कई नाटक लिख सकते हैं अभी भी मॉडर्न थिएटर में भी कोई एक थीम ऐसी कोई कोई एक किस्सा ऐसा हो सकता है कि लेला मजनू का किस्सा है उस पर आप दो तीन नाटक हैं पारसी थिएटर में एक, एक एक ही नाटक नहीं है लेला मजनू पर कई नाटक हैं। जी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक थिएटर में कोई एक कहानी जो ज्यादा चलती है जनता उसको देखना पसंद करती है उस पर दो तीन अलग 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 नाटककार अपने अपने एंगल से नाटक लिखे क्योंकि भाष का एंगल बहुत अलग है जी। वो जिस तरह से उठाते हैं वासुदत्ता की कहानी को उसकी थीम को बहुत अलग है प्रति योगदान में वासुदत्ता की जो की जो कहानी वो स्वप्न वासुदत्तम की कहानी से तो बहुत अलग है जी। और रत्नावली में उदयन का जो सेवंथ सेंचुरी में उसके करीब एक हजार साल बाद लिखा गया है उसका पूरा लोकेल अलग है उसका देश काल अलग है उसका थिएटर भी अलग है वो नाटिका है जी। उसको ज्यादा वो खूबसूरत बना करके नाट, गाना बजाना उसके साथ दिखा रहे हैं, उसी थीम को और उसमें एक अलग तरह की वो थीम हो जाती है कि वासवदत्ता वहाँ स्वकीय नायिका है और एक दूसरी नायिका आ जाती है उसके सामने उस तरह से तो पूर... पूरी कहानी बदल जाए तो और भी जो नाटक इस तरह के लिखे गए हैं वासव उनमें चरित्र तो है लेकिन रिपीटेशन तो कहीं भी नहीं हुआ है वो बहुत ही पॉपुलर हीरोइन है उसकी कहानियों को कई तरह से हम अलग अलग नेरेटिव बना सकते हैं इसलिए और भी नाटक लिखे गए हैं और अभिसारिका वंचित कम विशाख दत्त का था वह तो बहुत ही मार्मिक नाटक रहा होगा वो मिलता नहीं है अच्छा। वो उसमें भी वासवदत्ता है लेकिन उसकी बहुत ही अलग तरह की बेजोड़ थीम हो जाती है उसमें टसल है शादी के बाद जब वासव पद्मावती दोनों रह रही हैं तो राजमहल में जो षड्यंत्र होते हैं उस सब को लेकर के बहुत ही अलग तरह की थीम उसमें आती है तो जो मैसेजेस हैं वो बदल जाते हैं नेरेटिव बदल जाती है थीम्स बदल जाती है लोग वासुदत्ता को चाहते हैं इसलिए उसको देखना चाहते हैं और इसी उसकी जो तो. इमेज है वो डिस्ट्र नहीं की गई है लेकिन नेरेटिव अलग अलग हो जाते हैं उसके साथ में तो ये लोगों की पसंद को देख करके वासुदत्ता आती है सीता भी इसलिए आती है क्योंकि सीता को देखना चाहती है जनता और बिना उसके चरित्र पवित्रता मानते हैं शायद सिंबल ऑफ पवित्रता है सीता इसलिए वासुदत्ता भी एक बड़ी हीरोइन के रूप में है जिसने बास ने उसको इतना बड़ा चरित्र बना दिया जिसने इतना बड़ा त्याग किया है अपने पति के लिए जी तो उसको लोग पसंद करते हैं ऐसा जैसे होता है किसी हीरो को लोग बार बार देखना चाहते हैं अलग अलग रूपों में उसी तरह से वासदत्ता को देखना चाहते हैं तो ये तो थिएटर की डिमांड है जी इसलिए कुछ नाटक आते हैं इसमें भी ये नहीं कह सकते कि वासवत्ता को लेकर बहुत ज्यादा नाटक लिखे गए हों आप ज्यादा से ज्यादा चार पांच नाटक गिनाएंगे कई बार रिपीटेशन हुआ सर इसीलिए पूछा मैंने क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन हुआ इस नाम का इसलिए मैंने कहा शायद कोई नाम का हुआ कुछ हाँ इस तरह का कोई कैरेक्टर रहा नाम का ही का नाम वही है बाकी नेरेटिव बहुत बदल गई जी घटनाएं बदल गई हैं मैसेजेस बदल गए हैं कहानी बदल गई है जी 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 धन्यवाद सर मेरा अगला प्रश्न है दशरूपक में सबसे उत्तम नाटक को माना गया है संस्कृत नाटकों में कौन सा नाटक है जो भरत मुनि द्वारा बताए नाटक की विशेषताओं पर सटीक कहा जाएगा अब ये तो अभिज्ञान जो कालिदास का है एक दृष्टि से तो उसको भी कह सकते हैं जी, कि भरत मुनि ने जितने भी नाट नाटक के विधान और कैटेगरीज बताई हैं जैसे मैंने कहा कि ग्यारह तत्व हैं जी जी वो उस सभी उसको खेलेंगे तो उसमें भराव पूरा रहेगा शाकुंतल एक पूरा ए, मुकम्मल रंगमंच है टोटल थिएटर उसमें बनता है उसको जब खेलेंगे जैसा कालिदास ने उसको लिखा है जैसा भरत मुनि चाहते हैं वैसा अगर खेलेंगे तो वो आदर्श नाटक हो सकता है कभी कभी यह भी होता है कि हम परिभाषा लागू करते हैं कि किस पर पूरी तरह से फिट हो रही है परिभाषाएं भरत मुनि की तो उस दृष्टि से रत्नावली नाटिका का, का उदाहरण दिया जाता है वेणी संभार का उदाहरण दिया जाता है कि उसमें हु बहु परिभाषाएं वैसी की वैसी ही लागू हो रही है अदरवाइज कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतल है वो संस्कृत रंगमंच का भरतमन के नाट्य शास्त्र का प्रैक्टिकली सबसे बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है जी, धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद अम...